आ जाओ नीचे, आ जाओ मिट्टू, आओ नीचे, आओ नीचे आ जाओ मिट्टू, नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ नीचे आओ, आ जाओ। सही से उड़ भी ना पा रहे और बैठ के हो जाए क्या गासब। आओ इधर आओ, कहाँ गया देखिए, किधर गया देखा दोस्तों, ये मिट्टू उड़ गया है और ज़्यादा ऊंचाई नहीं उड़ पा रहा है, इसलिए इधर उधर अभी वहाँ से उड़ के उधर, उधर से उड़ के उधर, अब लग रहा घर नहीं जाएगा ये। अब वहाँ से उड़ा है दोस्तों, ये अमरूद के पेड़ पे आ गया है, अभी बहुत परेशान कर रहा है ये, और इसकी लंबी पूंछ है, ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकता, इसलिए टेंशन हो रही मुझे। उड़ाएं इसको, आओ, डंडा लगाया जा रहा है नीचे को, शायद आ जाए। कितना भाग रहा है, आ जा और ऊपर जा रहा है, आ आ जा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, अब इसको डंग को नीचे पकड़, आ जा आ जा आ जा आ जा। देखिए सभी बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि नीचे उतर आए ये, आ जाओ 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 मिट्टू, आ जाओ आ जाओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गया, अब वो हुआ तो पेड़ पे बैठ गया जाएंगे, उधर अब उस पेड़ पे बैठ गया, बहुत प्रयास किया गया और दोस्तों इधर उधर उड़ रहा है अभी, देखते हैं वो उनके राम निवास के वहाँ भी पर बैठ गया जाके। हाँ के पेड़ पे बैठ गया आके है, अपनी आई है हमारे साथ, बोलना कोई नहीं, ठीक है चुपचाप पकड़ेंगे। हाँ ये बैठा, ये यहाँ बैठ गया मिट्टू, ए मिट्टू कहाँ इधर उधर उड़े उड़े घूम रहे हो यार, आ जाओ नीचे, चले फिर आ जाओ, कहाँ वो उड़ेगा नहीं ऐसे, मिट्टू आ जाओ बेटा, आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ पकड़ के हिला, फिर यहाँ सुड़ेगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा ये, तो अब ज़्यादा तगड़ी उड़ान नहीं भर पा रहा ना, इसीलिए टेंशन हो रही, ये ज़्यादा तगड़ी उड़ ले तो कोई परेशानी नहीं, इसे कौवा वगैरह परेशान नहीं करेंगे, पीछे ना जाइएगा, शाम तक आएंगे। डब्बे से ही चेक हुई पे है, आ मिट्टू बैठ जा के, मिट्टू ले जाओ और ले जाओ, आ बेटा आ आ जा इसमें, आ जा उड़ रहा जा है, उड़ेगी नहीं नहीं लेकिन ये डब्बा में ही है ना, डब्बा में उसे आना चाहती तो आएगा, टेढ़ा है ना, टेढ़ा है डिब्बा, टेढ़ा ना सही है, देखो तो हम तो उससे का उतनी बोलती है, डब्बे की तो बैठा के ला देते हैं, डब्बे में बैठने की इसकी आदत बन गई, डब्बे में बैठा देते हैं बाहर घुमाने लेके चले जाते हैं, ये दे आएगा अब इसका डर लगता है, सब लोग दिखा रहे हैं यार, खाली वो अपने पर्सनल चीज से ले रहे हैं, बाकी तो पंच तो देगा ना, वो तो ये तो लड़का चढ़ा के पकड़वाए, हां तो मुझे होड़ी जी तोड़ दीजिए तुरंत, नहीं काट गई है, अपना का है समय खराब करने के चक्कर में, क्यों आजा आजा चिड़ै पालने का फायदा मोर लगा करते हैं, अब जब तक ये हमारे दादा देखो पकड़ रहे हैं तोता को बैठा ले हैं, बैठ जा तोता, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ बैठ तुम खूब बैठ जा ले ऑफ ट्राई गाइस, बैठ यहां आ यार बैठ, देख आजा आजा बैठी हूँ।
हिलाई दो पाकप के देख हिलाई दो फंस गई भाई भाई तेरे भाग गया फिर के तो हार खेल आ गया फिर पकड़ो तेरे के पीछे कहां भगे होंगे मुका है आपकी पकड़िया चलो जी ये भैया हां आ जा हम तो कब जेब लगी हम बांध के का धीरे धीरे डढ़िया के निगरा हो गई आज चली जा अब आ जी है ये करो ये अगर मुंह केर करो उधर गया उधर नीम पे बैठा है नीम पे धीरू एक बार धीरू चढ़ा दो बोलना हम चाहे तो ए वहां ना बैठो भीड़ ना लगा गोल वाला दोस्तों एक जामुन के पेड़ पे बैठा हुआ है नीचे नहीं उतर रहा है और मुझे टेंशन हो रही क्योंकि उसके जो पूंछ होती है लंबी वाली वो नहीं है तो उसको बाज वगैरह का शिकार ना बन जाए कहीं देखते हैं किस्मत में होगा वो तो वापस आ जाएगा फिर दोस्तों काफ़ी देर तक प्रयास किए लेकिन उसके बाद भी वो पकड़ में नहीं आया और ज़्यादा लंबा उड़ भी नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में टेंशन हो रही जबकि यहाँ पे हमने उसके लिए दो दो घर पहले से बनवा रखे थे और उस दो घर में रहता था आराम से इधर उधर और अच्छा अच्छा खाता भी था लेकिन थोड़ा सा हमने सोचा है अपनी दुकान को में टहला दें अपना घर टहला दें उस दुकान में जैसे लेके आए तो सामने देखिए बेशर्मा है उधर उड़ के चला गया ये सामने बेशर्मा है हरियाली देख के वो उधर उड़ के चला गया फिर वहाँ से हम जब उसको पकड़ने गए तो वहाँ से उड़ गया बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हुई दोस्तों उसको वापस आ जाना चाहिए और नहीं तो मुझे ये डर है कहीं बाज वगैरह ना उसको अटैक कर दे क्योंकि कौवे भी परेशान करते थे उसको और बाज तो जख्म वगैरह तो सब स्वस्थ हो गया था ठीक हो गया था लेकिन बाज से डर है शायद अगर किस्मत में होगा तो वापस मिल जाएगा वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आज पूरा दिन प्रयास किए उसको ढूँढने में और मिल भी गया तो पेड़ पर बैठा हुआ था हिम्मत नहीं पड़ी पेड़ पे चढ़ने की क्योंकि जैसे भी उसके पास में लगी वगैरह लगाते थे तो नीचे आने की बजाय वो उड़ जाता था तो दोस्तों अब वीडियो को एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम थोड़ा सा बैड लक रहा हमारा क्योंकि हमारे पास वो सिर्फ 15 दिन ही रहा और अगर 2-4 महीने रुक जाता तो शायद हमसे घुल मिल जाता और फिर नहीं जाता जय हिंद जय भारत।